हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बाथरूम का पास हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये बाथरूम है। फ्रेंड्स, इसका जो नीचे का जो डोर है, डोर का जो ये बाथरूम का जो एंट्रेंस का डोर है, ये चौकट का जो नीचे का जो बॉटम है, ये पूरा सड़ गया है, जिसकी वजह से ये बॉटम है ही नहीं। जब भी बाथरूम यूज होता है, पानी बाहर आ जाता है। और अभी हमको इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ग्रेनाइट का दो पीस कट करके लाया हूँ, और ग्रेनाइट को सेट करके वहाँ पे बॉटम बना दूंगा, जिसके वजह से पानी में भी सड़ेगा नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बाथरूम का जो नीचे का बॉटम होता है, वो पानी में हमेशा टच होता रहता है और सड़ जाता है। इसलिए मैंने ग्रेनाइट को मेटल पेस्ट के जरिए मैं कैसे उसको फिक्स करता हूँ, और प्रॉपर ट्रिक क्या है, मेटल पेस्ट को कैसे यूज किया जाता है ग्रेनाइट के साथ है, पूरा वीडियो मैंने आज इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले इसको हमको ये जो छोटा छोटा पीस है, इसको निकालना पड़ेगा। इसको देखिए फ्रेंड्स, ये अभी निकल गया है। अभी जो मैंने ग्रेनाइट लिया हूँ, वो ग्रेनाइट को आप देखिए कैसा है। अभी ये ग्रेनाइट को हमको सही मेजरमेंट में, क्योंकि अगर एक सिंगल पीस ग्रेनाइट डालूँ तो ये हाइट कम हो जाएगा, इसके वजह से हमको क्या करना है, डबल ग्रेनाइट लिया हूँ मैं। इसको सेम मेजरमेंट में कट करना है। मैं पहले इसको कट कर लेता हूँ, कट करके फिर इसको सेट करके मैं आपको दिखाऊँगा पहले। और दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, ये जो ग्रेनाइट मैंने कट किया है, इसका जो धार है, ये पाँव में लगेगा, इसको भी थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा। मैं ग्राइंड करके प्रॉपर इसको कट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मेटल पेस्ट है, मैंने आधा के जी लिया हूँ। ये प्रो मैक्स का मेटल पेस्ट है। फ्रेंड्स, कभी भी मेटल पेस्ट लेते हो, उसका साथ एक ऑर्डनर आता है मिक्स करने के लिए। फ्रेंड्स, ये दोनों जब मिक्स होता है, तब जाके ये काम करता है, पकड़ता है। फ्रेंड्स, अभी देखिए ये दोनों को कैसे मिक्स करते हैं। पहले इसको खोलना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर का है, उसका साथ इसी तरह का ऑयल भी रहता है, और ये मेटल पेस्ट है। दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। और इसमें से थोड़ा सा ऑयल डालना है। फ्रेंड्स, कभी भी थोड़ा सा ऑयल डालता, पतला रहेगा थोड़ा सा, उसी का अंदर ही रहता है फ्रेंड्स। अभी देखो इसको अभी क्या करना है, इसका अंदर जो ऑर्डनर है, ऑर्डनर को मिक्स करने से पहले पोटी ब्लेड में पहले इसको थोड़ा सा ये ऑयल को अच्छा से मिक्स करके सॉफ्ट कर देना है। क्योंकि जब तक आप ऑर्डनर मिक्स करोगे तो टाइट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए पहले इसको थोड़ा सा मिक्स करके अच्छा से पतला कर देना है। देखिए ये कैसे मिक्स होता है। आप जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छा होगा। पहले इसी तरह का अच्छा से मिक्स कर देना है, ये पतला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाना शुरू कर देगा, हार्ड नहीं रहेगा। तो फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम ऑर्डनर मिक्स करेंगे। ऑर्डनर को थोड़ा ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ज़्यादा मिक्स करें तो जल्दी टाइट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा देख के आपको करना पड़ेगा। अब ये ऑर्डनर को ऐसे ही मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ये ऑर्डनर मिक्स होने के बाद ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर देता है और ये टाइट हो जाता है। ये ऑर्डनर को थोड़ा सा भी अच्छा से मिक्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छा ये पकड़ेगा, काम करेगा ये। ये अभी फ्रेंड्स मिक्स हो चुका है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, अभी क्या है, हमको जिधर लगाना है उधर थोड़ा सा रहा ऐसे लगा देना है। अब क्या करना है, इसका जो ये फर्स्ट ए पीस डालना है, ए पीस का ऊपर ऐसे लगाना है, क्योंकि अच्छा से पकड़ेगा नहीं तो। इसी तरह का पहले आपको मेटल पेस्ट को इसमें लगा देना अच्छा से, उसके बाद जगह जगह थोड़ा सा ज़्यादा देना है। अब हम उसको फिक्स करेंगे।
और जब आप डालोगे इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देना है। क्योंकि इस तरह आगे पीछे कर दिया तो ये अच्छा से सेट हो जाएगा, और जो साइड साइड में जो थोड़ा सा निकलता है उसको भी थोड़ा सा आपको हाथ से हटा देना है। फ्रेंड्स ये अभी टाइट हो जाएगा, उसका ऊपर हमको ये दूसरा पीस डालना है, फिर इसका ऊपर ऐसे पेस्ट लगा के दूसरा पीस डाल के फिर हम चारों तरफ कवर कर देंगे। सेकेंड टाइम मिला दिया, इसका जो साइड साइड में थोड़ा सा भर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि साइड साइड में भर दिया तो अच्छे से पकड़ेगा ये। और फ्रेंड्स इसका ऊपर अभी थोड़ा सा लगाना है क्योंकि और एक पीस डालना है। और देखिए फ्रेंड्स ये पहले लगा देना है, उसके बाद इसका जो पीछे साइड में भी थोड़ा सा लगाना है क्योंकि ये अच्छा से पकड़ेगा। दबा के लगाना है फ्रेंड्स, पीछे से ऐसे ही नॉर्मल लगा के दबा दिया तो ठीक से मेटल पेस्ट पकड़ेगा नहीं, दो साइड में इस तरह का लगाए तो अच्छा से पकड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स इसको अभी फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद थोड़ा सा आगे पीछे करके अब हमको क्या करना है, इसका साइड को भी भर देना है तुरंत। और फिर उसके बाद इस साइड में साइड्स को भी, फ्रेंड्स देखिए ये अभी टाइट हो चुका है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ग्रेनाइट जो है करेक्ट से बैठ गया। ये जो गैप है ना फ्रेंड्स, इसमें अभी मैं क्या करूँगा, व्हाइट सीमेंट भर दूंगा, ये चारों तरफ व्हाइट सीमेंट भर देंगे। और इसी तरह का कभी भी अगर डोर में बाथरूम डोर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, बाथरूम डोर होने दो बालकनी डोर हो, ये जो लकड़ी है वो पहले से सड़ जाता है, अगर ऐसे ही नीचे का जो सड़ गया, आप दो पीस ग्रेनाइट को आपको जितना ये चौकट का विड्थ है जितना जितना चौड़ा है इसी हिसाब से ये मेरे ख्याल से दो इंच से ढाई इंच तक होगा विड्थ, ऐसे ही लेंथ आपको कट करके लेना है। और इसका जितना मेजरमेंट है चौकट का उसी मेजरमेंट के हिसाब से कट कर देना है, कट करके फिर आपको इसी तरह ला के मेटल पेस्ट में फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।